ओम श्री गणेशाय नमः। धनु राशि, तो कैसे हैं सैजिटेरियस आप? आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके नेक्स्ट वीक की रीडिंग करने वाले हैं, जो कि है 13 से 19 अक्टूबर की। तो इसमें हम पहले जॉब करियर रिगार्डिंग रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे, एंड फाइनली मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालूंगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और रीडिंग को लाइक करें। मेरा चैनल नया है, उसे प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स? और एनर्जी ज़रूर 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 क्लेम करना कमेंट्स में। फाइटिंग, ओके, ये आपके जॉब करियर रिगार्डिंग है। नेक्स्ट है मोरालिटी, सेलिब्रेशन, एंड देन वी हैव पोस्टपोनमेंट। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आप अपनी अपनी करियर में कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं, जहाँ आपको ये लग रहा है कि शायद आपके साथ ना पार्शियलिटी हो रही है और आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सामने वाला कहीं ना कहीं, कोई भी हो सकता है वो, जो आपको समझ नहीं रहा है और आपको कहीं ना कहीं वो आपसे ज़्यादा दूसरों को मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, और आप इसी सब चीज़ों की वजह से अपने अंदर मनी मन फाइट कर रहे हैं। शायद आप अपने आसपास वालों से भी फाइट कर सकते हो, कुलीग से भी कर रहे हो, शायद किसी से भी, जिससे भी आपको हो, और हो सकता है इसकी वजह से घर पे भी कर रहे हो। बट इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में जो ये सेलिब्रेशन पार्ट है, जो ग्रोथ पार्ट है फ्रेंड्स, वो रुक रहा है। आप कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो डिवाइन आपको इस एनर्जी से निकलने को ही कह रहा है। अगले वीक कहीं ना कहीं आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको ये सोचना है कि कैसे मैं ये जो मतलब ये सोच के, अपनी ही सोच से, अपनी फाइटिंग मूड से कैसे बाहर आऊँ। अगर आप बाहर नहीं आएंगे ना फ्रेंड्स, तो फिर आप यही अपनी सोच में ही रह जाएंगे और अपनी लाइफ में ये जो सेलिब्रेशन है। और हो सकता है एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है रीडिंग में, कि ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं इतना ज़्यादा, आपकी टीम में या आपके बिजनेस में कोई दूसरा इंसान है जिसकी वजह से आ रही हैं, तो आप फाइंड आउट कीजिए और अपनी ग्रोथ को पोस्टपोन मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स? नेक्स्ट में लव एंड रिलेशनशिप की निकालती हूँ फ्रेंड्स। क्या एनर्जी रहेगी आपकी नेक्स्ट वीक, किस एनर्जी में आप रहेंगे? द हेरोफेंट, बहुत अच्छा कार्ड है फ्रेंड्स। द लवर्स, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। नेक्स्ट वी हैव वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, लव में तो सेजिटेरियस आप बहुत ही अच्छे मूड में अगले हफ्ते। थोड़ा सा करियर में आप फाइटिंग मूड में दिख रहे थे, बट लव में तो बहुत 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 अच्छा है। मतलब आप इतना अच्छा सा पॉजिटिव फील करेंगे नेक्स्ट वीक अपने पार्टनर के साथ, और वो भी शायद, हो सकता है या तो आपकी उनसे मैरिज होने वाली है, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हों, आप जॉइंट फैमिली में हो, आप लोग मिलकर कुछ शायद कुछ पार्टी या कुछ इस तरह से करने का सोच रहे हो, शायद कुछ आगे। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ इस कार्ड को। ये देखिए, ये शायद इसलिए भी आया, मे बी पीछे आपका शायद अपना जो प्रॉब्लम चल रही थी, अपने शायद मे बी पार्टनर से कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम हुई भी हो, तो अब आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। हो सकता है आपके घर में कोई खुशी आने वाली हो, कुछ नया आपने खरीदा हो, या कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हो, कुछ ऐसी डील होने वाली है आप लोगों की, या घर में कोई नया कोई मेहमान आने वाला है, कुछ ऐसा बढ़िया आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है कि ये ग्रोथ आ रही है। तो या फिर आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है, आप अपने लवर के साथ ही कहीं घूमने जा रहे हैं, ये वाली भी मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, मे भी आपने प्लान कर रखा हो। तो लव में तो, रिलेशनशिप में तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। तो मुझे लग रहा है आप घूमने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, कहीं पार्टी वार्टी कर रहे हैं।
और अगर आपस में भी कुछ प्रॉब्लम या डिस्प्यूट था ना, तो किसी बड़े की वजह से ना वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सब कुछ अच्छा वाला नज़र आ रहा है, क्योंकि एक दूसरी स्टोरी जो मेरे को आ रही है वो यही आ रही है। देखिए, सबकी लाइफ में तो पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती ना, किसी की प्रॉब्लम भी होती है। तो एक आया है वेट, डिवाइन गाइडेंस, और दूसरा आया कॉम्प्रोमाइज़। पता है मुझे क्या लगता है कि आपका ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं, ये आपके उसके लिए आए हैं, आपके जॉब इन बिजनेस में। आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में थे, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे, काम नहीं करना चाह रहे थे, ये उसके लिए आए हैं। तो उसके अंदर आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि फ़िलहाल ना आप शांति से रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए चीज़ों में। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में आपके चीज़ों का रिवॉर्ड मिले, बट अभी आप चीज़ों को थोड़ा सा मतलब स्लो कर दीजिए, ठीक है ना। फास्ट मत जाइए, और थोड़ा सा देखिए बैलेंस करिए। एंजल क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वही कह रहे हैं बैलेंस करो। तो थोड़ा सा आप अपने चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, घर परिवार को, जॉब बिजनेस को, हर एक बात को। ओके, सैजिटेरियस धनु राशि, तो यहीं पे रीडिंग कंप्लीट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, एनर्जी को क्लेम करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच।